इकलौती लाड़ो है जिसको मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला। और मैं तो ये चाहता था कि हमारी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में हो जाए जहाँ हमारी बेटी भी खुश रहे, हम लोग भी प्रसन्न रहे। लेकिन तुम ये क्या कह रहे हो कि रुकमणी की शादी शिशुपाल के साथ नहीं हो सकती? तुम्हें नहीं पता हो जाने दो। रुकमणी की शादी हो जाने दो। कन्हैया के साथ में रुकम ने जवाब दिया, नहीं नहीं पिताजी, बहन मेरी घर में बेशक कुंवारी बैठी रहे लेकिन शादी हम वही करेंगे जहाँ पर हम चाहेंगे। हम अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ में ही करेंगे। जब ये बात कही तो उसी समय आज भीष्मक ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, खुद के निर्णय स्वयं लेने लगा है, तो जैसी तेरी इच्छा, जो तुझे ठीक लगे तू वही कर। रुकम लौट करके आज महाराज अपने महलों में आया है और महलों में आकर के शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। और जब पत्र लिखा तो पत्र में क्या लिखा, ये साले शिशुपाल, हम अपनी बहन रुकमणी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के तुम कुंदनपुर में आ जाओ। अरे रखना।